नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा छठवी के गणित में पाठ 13 लाभ हानि का प्रश्न संग्रह 34 करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 34। ये प्रश्न संग्रह 34, उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दी गई जानकारी के आधार पर प्रतिशत लाभ अथवा प्रतिशत हानि होने वाले शाब्दिक प्रश्न तैयार करो और उन्हें हल करो। मतलब यहाँ पे हमको सबसे पहले प्रश्न तैयार करना है, उसके बाद में उस प्रश्न को हल करना है। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया, क्रय मूल्य 1600 रुपया और विक्रय मूल्य दिया गया 2800 रुपया। इसका उपयोग करके हमको प्रश्न पहले तैयार करना है। तो हमने यहाँ पे देखो प्रश्न पहले तैयार किया है, मोहन एक घड़ी 1600 रुपयों में खरीद कर 2800 रुपयों में बेचता है, उसे लाभ हुआ या हानि कितने प्रतिशत। इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले देखो एक घड़ी का यहाँ पे क्रय मूल्य दिया गया है और यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है, तो इसमें लाभ या हानि पहले निकालेंगे, उसके बाद में कितना प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। इसको हल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं हल। सबसे पहले देखो क्या दिया गया, घड़ी का क्रय मूल्य, यहाँ पे लिखोगे घड़ी का क्रय मूल्य। घड़ी का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1600 रुपया। और उसके बाद में घड़ी का विक्रय मूल्य, तो यह जाएगा घड़ी का विक्रय मूल्य। घड़ी का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, ये दिया गया 2800, 2800 रुपया दिया गया है। अब यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा है, यहाँ पे हमारे पास विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, ये लगेगा। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, ये है 2800 रुपया, क्रय मूल्य है 1600 रुपया, तो ये हो जाएगा इसका लाभ आ जाएगा 2800 में 1600 गया तो 1200 रुपया, ये क्या आया इसका लाभ आएगा। तो ये लाभ आ गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माना घड़ी पर एक्स प्रतिशत, एक्स प्रतिशत लाभ हुआ। जब एक्स प्रतिशत लाभ हुआ है तो क्या हो जाएगा, एक्स बटे 100, एक्स बटे 100 बराबर, अब देखो क्रय मूल्य कितना दिया गया है 1600 रुपया और लाभ कितना आया है 1200 रुपया। अब यहाँ पे देखोगे एक्स में 100 का भाग हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे भाग का उल्टा क्या होगा, गुणा होगा, गुणा करने पर, तो यहाँ पे वही लिख दो एक्स बटे 100 बराबर 1200 बटे, ये आ जाएगा 1600 में किसका गुणा करना है, 100 का गुणा करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों का 100-100 का गुणा कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पे आएगा एक्स, और यहाँ पे देखो क्या कट रहा है, देखो ये दो जीरो, ये दो जीरो से कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 बटे 16 आएगा। अब यहाँ पे देखो एक्स बराबर 1200 में 16 का भाग देना है ना, तो यहाँ पे हम लोग भाग दे करके भी कर सकते हैं और कट करके भी कर सकते हैं, तो 16 सत्य कितना होता है, 16 सत्य होता है 112, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये जीरो ये जीरो, तो ये वाला जीरो यहाँ पे उतरा और 16 पंचे 80, ये आ गया 80, ये यहाँ पे कट गया, तो ये कितना आएगा, इसको कट करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 75%, एक्स बराबर 75%। तो इसके उत्तर में क्या लिखोगे, मोहन को लाभ हुआ और क्या पूछा गया कितने प्रतिशत, तो यहाँ पे लिखोगे लाभ की दर 75% है। इसी तरीके से आएगा, देखो हम लोगों को क्या करना है, पहले एक सवाल तैयार कर लेना है, सवाल तैयार करने के बाद में 1600 रुपये उसका क्या दिया गया है क्रय मूल्य और 2800 दिया गया है विक्रय मूल्य, तो सबसे पहले हम लोग लाभ निकालेंगे, लाभ निकालने के बाद में उसका प्रतिशत लाभ इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, तो प्रतिशत लाभ आ जाएगा 75%।
अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, क्रय मूल्य दिया गया 2000 रुपया और विक्रय मूल्य दिया गया 1900 रुपया। इसका पहले प्रश्न तैयार करते हैं। यहाँ पे देखो हमने प्रश्न तैयार कर लिया है। एकता ने एक कुर्सी 2000 रुपयों में खरीद कर 1900 रुपयों में बेच दी, उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। मतलब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसके हल में आएगा कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य, कुर्सी का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 2000 रुपया। अब क्या बोला गया, कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1900 रुपया। अब देखो क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या लगेगा, हानि लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा इसलिए हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। उल्टा होता है, हानि का होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 2000 माइनस विक्रय मूल्य है 1900। तो हमारी हानि कितनी आ जाएगी, 2000 में से 1900 गया तो कितना आ जाएगा, 100 रुपया। ये हमारी क्या आ गई, हानि आ गई। अब यहाँ पे लिखते हैं एकता को कुर्सी बेचने पर x प्रतिशत की हानि हुई, हानि हुई। x प्रतिशत लाभ होता था तो यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये भी प्रतिशत में ही लिखोगे, बराबर कितने रुपए की हानि हो रही है, 100 रुपए की हानि हो रही है, और क्रय मूल्य कितना है, 2000 रुपया। इसको भी वैसे ही करोगे। अब क्या करोगे, x में 100 का भाग हो रहा है तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा x बटे 100 बराबर, यहाँ पे क्या दिया गया, 100 बटे 2000 गुड़े 100 इस साइड भी आएगा और गुड़े 100 इस साइड भी आएगा। तो यहाँ पे देखोगे ये 100 से ये 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, x बराबर ये दो जीरो से कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, 100 बटे 20। अब देखो 20 पंचे 100 ये कट गया, यहाँ पे आएगा x बराबर 5%, मतलब उसको 5% की हानि होगी। इसके उत्तर में लिखोगे एकता को 5% की हानि हुई, कुछ इस तरीके से आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रश्न तैयार करना है। तो क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि का फॉर्मूला लग जाएगा। हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, यहाँ पे हमको हानि आ गई। अब एकता को कुर्सी बेचने पर x प्रतिशत की हानि हुई है, x बटे 100 बराबर हानि कितना हुआ, 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 2000। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करोगे, यहाँ पे भाग हो रहा है तो गुणा ही होगा ना, यहाँ पे दोनों पक्षों में 100 से गुणा कर दिया और इसको हल कर दिया तो x बराबर 5% की हानि हुई। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया, कुल वस्तुएं 8 है और प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य 1400 रुपया है। यहाँ पे देखो हमको क्या दिया गया है, क्रय मूल्य दिया गया है और विक्रय मूल्य दिया गया है ना, तो हम लोग यहाँ पे देखो प्रश्न तैयार करते हैं। रमेश ने 1200 रुपये प्रति मेज की दर से कुल 8 मेजे खरीद कर उन्हें 1400 रुपये प्रति मेज की दर से बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पे ध्यान दोगे, चाहे हम 8 मेज का निकाले चाहे 1 मेज का निकाले कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके हल में आएगा मेज का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 1200 रुपया, और क्या दिया गया है, मेज का विक्रय मूल्य दिया गया है, मेज का विक्रय मूल्य दिया गया है, ये कितना दिया गया है, 1400 रुपया। यहाँ पे भी 8 मेज का निकालता तो इसमें भी 8 का गुणा करना पड़ता, मतलब दोनों में 8-8 का गुणा करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे विक्रय मूल्य 1400 है, क्रय मूल्य 1200 है, तो बड़ा क्या है, विक्रय मूल्य है, इसलिए क्या होगा, लाभ होगा, विक्रय मूल्य बड़ा है तो लाभ बराबर विक्रय
मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य है 1400 रुपया और क्रय मूल्य है 1200 रुपया, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 200 रुपया। 200 रुपये का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लेकिन हमको प्रतिशत लाभ पूछा है ना, यहाँ पे लिखेंगे माना रमेश को x प्रतिशत लाभ हुआ। इसी तरीके से आएगा तो ये हमारा हो जाएगा x बटे 100 बराबर क्रय मूल्य कितना है 1200 और लाभ कितना हुआ है 200। अब इसको हल करना है, यहाँ पे देखोगे x में 100 का भाग हो रहा है तो क्या होगा, गुणा होगा दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर ये हो जाएगा x बटे 100 बराबर 200 बटे इधर आ गया 1200 गुणे में आएगा 100 और यहाँ पे भी गुणे में आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100 से 100 कट गया तो ये हो जाएगा x बराबर ये 20, ये 20 से कट गया तो कितना हो गया 200 बटे 12। तो अब इसको देखो यहाँ पे, अब इसको कट करते देखो ये कौन से पहाड़े से कटेगा, देखो ये 4 के पहाड़े से कट जाएगा तो 4 3 12 और ये कटा 4 5 20 और ये आया 0, मतलब कितना आ गया x बराबर 50 बटे 3। अब क्या करो, अब तो नहीं कट रहा है ना, तो अब इसको भाग दे दो, 50 में 3 का भाग दे दिया तो 3 1 3 यहाँ पे आया 2 0, 3 6 18 यहाँ पे आया 2। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बराबर देखो यहाँ पे बटे में 3 है ना, देखो बटे में 3 है। अब इसको क्या करो, ये 16 जो ऊपर आया है ये इतना प्रतिशत हो गया। यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है, रमेश को कितने प्रतिशत लाभ हुआ, इसके उत्तर में लिखोगे रमेश को 16 सही 2/3 प्रतिशत लाभ हुआ। इस तरीके से आएगा, तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे भले दिया गया है कुल वस्तुएं 8 दिया गया है, देखो 8 वस्तु खरीदेगा 8 वस्तु बेचेगा तो एक वस्तु के क्रय मूल्य और एक वस्तु के विक्रय मूल्य से भी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे मेज का क्रय मूल्य लिखा 1200, मेज का विक्रय मूल्य 1400, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ पे हमको लाभ आ गया तो माना रमेश को x प्रतिशत लाभ हुआ तो x बटे 100 बराबर यहाँ पे 200 लाभ बटे 1200 क्रय मूल्य हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे कर दिया तो आ जाएगा 200 बटे 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे पहले एक कट रहा है क्या, तो यहाँ पे देखोगे एक कट रहा है, 4 के पारे से जाएगा तो 4 3 12 और 4 5 20 50/3 आ गया। अब 50/3 तो नहीं कट रहा है, 50/3 जब नहीं कटेगा तो हम लोग डायरेक्ट उसको भाग दे देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा 16 सही 2/3 प्रतिशत। अब हम अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया है, खरीदा गया अनाज 50 किलोग्राम क्रय मूल्य 2000 रुपए, प्रत्येक किलोग्राम अनाज का विक्रय मूल्य 43 रुपया, मतलब यहाँ पे हमको 50 किलोग्राम अनाज का क्रय मूल्य दिया गया है 2000 रुपया और विक्रय मूल्य दिया गया है 1 किलोग्राम का 43 रुपया। तो यहाँ पे 50 किलोग्राम जब खरीद रहे हैं तो 50 किलोग्राम बेचेंगे भी, तो इसका प्रश्न बनाते हैं, कृष्णा ने 50 किलोग्राम गेहूं वाली एक बोरी 2000 रुपया में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य हो गया, उसने पूरा गेहूं 43 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? तो सबसे पहले देखो 50 किलोग्राम गेहूं वाली एक बोरी का क्रय मूल्य 2000 रुपए दिया गया, यहाँ पे हल में लिखोगे 50 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य दिया गया है 2000 रुपया। अब यहाँ पे 1 किलोग्राम का विक्रय मूल्य दिया गया है ना, यहाँ पे लिखोगे 1 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 1 किलोग्राम का 43 रुपया। अब यहाँ पे देखो जब 50 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य भी बराबर होना चाहिए, इसलिए 50 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य बराबर
क्या करोगे, 43 में 50 का गुणा कर दिया। 43 में 50 का गुणा करोगे तो कितना जाएगा, देखो ये 0 0 आ जाएगा, 5 3 15 हासिल 1, 5 6 20, 20 और 1 21, ये हो जाएगा 2150 रुपया। 2150 क्या आया, इसका विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य 2000 है, इसका मतलब क्या हो गया, विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, लाभ का लगेगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, इस तरीके से बनेगा। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, विक्रय मूल्य 2150 रुपया, क्रय मूल्य है 2000 रुपया, तो इसका लाभ कितना आ जाएगा, लाभ आ जाएगा 150 रुपया। अब यहाँ पे लिखते हैं, माना कृष्णा को लाभ आ रहा है ना, x प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ पे देखो x प्रतिशत को हम लोग क्या लिखते हैं, x बटे 100 बराबर में क्रय मूल्य कितना है टोटल 2000, लाभ आया है 150। यहाँ पे देखोगे x में 100 से भाग हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, तो सबसे पहले दोनों पक्ष लिख लो, x बटे 100 बराबर 150 बटे 2000 हो जाएगा। अब इसमें भी 100 से गुणा कर दो और यहाँ पे भी 100 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर ये 2 0, ये 0 से कट गया, तो ये हो जाएगा 150 बटे 20। तो देखोगे ये 1 0, 1 0 से कटा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 15/2 हो गया, 15/2, यहाँ पे देखो 15/2 को हम लोग जब भाग देंगे, 15 में 2 का भाग दोगे तो जगह 2 7 14 हासिल 1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते, देखो बटे में 2 वैसे ही है, जो भाग फल आया है 7 इधर लिख दिया और शेष फल इधर लिख दिया, इतना प्रतिशत हो गया। तो क्या पूछा गया, उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो लाभ हो रहा है, यहाँ पे लिखोगे कृष्णा को 7 सही 1/2 प्रतिशत लाभ हुआ, इस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 50 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य दिया गया 2000 रुपया और 50 किलोग्राम गेहूं का विक्रय मूल्य निकाल लिया 2150 रुपया। कौन सा ज्यादा है, 2150 ज्यादा है, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ का फॉर्मूला लगेगा, तो लाभ हमारा आ गया 150 रुपया। अब यहाँ पे हमने प्रतिशत लाभ निकाल लिया है। अब हम अगला करते हैं, पांचवे प्रश्न में क्या दिया गया, क्रय मूल्य दिया गया 8600 रुपया, गाड़ी भाड़ा दिया गया 250 रुपया, मजदूरी दिया गया 150 रुपया। तो ये तीन का तीनों किस में आ जाएगा, क्रय मूल्य में आ जाएगा, और विक्रय मूल्य दिया गया है 10000 रुपया। यहाँ पे हमने पहले प्रश्न तैयार किया, जयदेवी ने एक संगणक 8600 रुपयों में खरीदी, संगणक मतलब कंप्यूटर, गाड़ी भाड़ा 250 रुपये और कूली को मजदूरी के रूप में 150 रुपया दी, वह संगणक उसने 10000 रुपयों में बेच दी, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। यहाँ पे देखो ये तीनों, ये वाला 8600, 250 और 150, ये सब क्रय मूल्य में जाएगा, तो इसके हल में आएगा संपूर्ण क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस गाड़ी भाड़ा प्लस मजदूरी, इस तरीके से बनेगा क्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य हमारे पास कितना दिया गया है, 8600 रुपया, गाड़ी भाड़ा कितना दिया गया है 250 रुपया, मजदूरी कितना दिया गया 150 रुपया। आप सबको प्लस कर दो, प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 9000 रुपया बन जाएगा। ये तो आ गया सिर्फ क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य हमको कितना दिया गया है, यहाँ पे लिखो विक्रय मूल्य दिया गया है 10000 रुपया। अब जब क्रय मूल्य हमारे पास 9000 है, विक्रय मूल्य 10000 है, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, ये है 10000, क्रय मूल्य है 9000, तो टोटल लाभ कितना मिलेगा, 1000 रुपया। अब यहाँ पे ये 1000 रुपया क्या आया है, लाभ आया है, तो प्रतिशत लाभ है ना, तो यहाँ पे लिखोगे
माना जयदेवी को यक्ष प्रतिशत लाभ हुआ। यक्ष प्रतिशत क्या होता है? यक्ष बटे सौ, और यहाँ पे बराबर में लाभ में आ जाएगा 1000 और क्रय मूल्य में आ जाएगा 9000। अभी आप देखोगे यक्ष में सौ का भाग हो रहा है, तो यहाँ पे लिखोगे दोनों पक्षों में सौ से गुणा करने पर ये हो जाएगा। दोनों पक्ष पहले लिख लो, यक्ष बटे सौ बराबर 1000 बटे गुणे यहाँ पे भी सौ और गुणे यहाँ पे भी सौ, ये सौ से ये सौ कट गया, तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया, फिर ये एक जीरो से कट गया, बचा क्या हमारे पास, सौ बटे नौ। अब इसका भाग दे दो, इसको भाग दोगे सौ बटे नौ, देखोगे नौ एक कम ये हो जाएगा नौ, यहाँ पे आया एक जीरो, फिर से आएगा नौ एक कम नौ, यहाँ पे फिर से आ गया एक, इसका मतलब ये कटने के बाद में इसका उत्तर कितना हो जाएगा, देखो बटे में नौ तो है ही है, भागफल हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, शेष फल यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 11 सही 1/9%। तो इसके उत्तर में लिखोगे जयदेवी को 11 सही 1/9% लाभ हुआ। इसी तरीके से बनेगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों ने संपूर्ण क्रय मूल्य निकाल लिया और यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ का फॉर्मूला लग जाएगा, और माना जयदेवी को यक्ष प्रतिशत लाभ हुआ, तो यक्ष बटे सौ बराबर क्रय मूल्य इतना है और लाभ इतना है, तो दोनों पक्षों में सौ से गुणा कर दोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, बीज का क्रय मूल्य दिया गया है 20,500, मजदूरी दी गई 9,700, दवाइयां तथा खाद्य दिया गया है 5,600, ये तीनों का टोटल हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, और विक्रय मूल्य दिया गया 28,640 रुपए। तो सबसे पहले हम प्रश्न तैयार करते हैं। अजय ने अपने खेत में 20,500 रुपये के बीज बोया, उसने 9,700 रुपए मजदूरी और कीटनाशक तथा खाद पर 5,600 रुपए खर्च किया, उसने पूरा अनाज 28,640 रुपए में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इसके भी हल में आएगा, सबसे पहले करते हैं संपूर्ण क्रय मूल्य। संपूर्ण क्रय मूल्य में क्या आ जाएगा, पहले जो हमको क्रय मूल्य दिया गया है वो, उसके बाद में मजदूरी, मजदूरी और लास्ट वाला क्या है, दवाइयां तथा खादे, तो दवाइयां तथा खादे। तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य के ठीक नीचे क्रय मूल्य लिखोगे 20,500, मजदूरी दिया गया 9,700 और खाद्य और दवाइयों के लिए दिया गया 5,600। अब ये सबको टोटल कर दो, अब इसको जोड़ दो, 20,500, 9,700, 5,600, इसको जोड़ो, 0 0 7 5 12 12 6 18 18 का 8 8 1 9 1 10 5 15 हासिल एक, यह आ जाएगा 35,800 रुपया। 35,800 रुपया इसका क्या आया, क्रय मूल्य आ गया। और क्या दिया गया, विक्रय मूल्य दिया गया, तो इसको यहीं पे लिख लो, विक्रय मूल्य दिया गया है कितना है, 28,640 रुपया। अब यहाँ पे देखोगे विक्रय मूल्य ज्यादा है कि क्रय मूल्य ज्यादा, क्रय मूल्य ज्यादा है तो क्या होगा, हानि होगी, इसलिए हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, इस तरीके से बनेगा। तो क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ रहा है, 35,800 माइनस 28,640 रुपया, अब इसको माइनस कर दो, तो 35,800 में से 28,640 रुपए माइनस करोगे कितना आएगा, जीरो में से जीरो गया जीरो, जीरो में से चार नहीं जाएगा तो एक हासिल लेगा, दस दस में से चार गया छ, यहाँ पे जाएगा सात, सात में से छह गया एक, यहाँ पे जाएगा पंद्रह, पंद्रह में से आठ गया सात, और ये हो जाएगा जीरो, कितना आ गया 7,160 रुपया।
इसमें कितना जाएगा 7,160 रुपए की हानि हुई। अब यहाँ पे लिखते हैं माना अजय को x प्रतिशत हानि हुई, हानि हुई तो क्या आ जाएगा x बटे 100 बराबर हानि कितना है 7,160 बटे क्रय मूल्य कितना है 35,800 रुपया। अब यहाँ पे क्या करते देखो x में 100 का भाग हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में 100 से गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे सबसे पहले दोनों पक्ष लिखते हैं x बटे 100 बराबर 7,160 बटे 35,800। अब इसमें भी 100 का गुणा कर दो और यहाँ पे भी 100 का गुणा कर दो ये 100 से ये 100 कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और ये दो जीरो से कट गया यहाँ पे क्या आएगा 7,160 बटे 358। अब यहाँ पे देखोगे x बराबर 358 में 2 का गुणा करोगे ना तो ये आ जाएगा 716। 358 में 2 का गुणा किया तो आ जाएगा 716 और यहाँ पे एक जीरो है मतलब इसको कट करने पे आता है 20 तो ये हो जाएगा x बराबर 20%। क्या है हानि हो रही है ना यहाँ पे उसके उत्तर में लिखोगे अजय को 20% हानि हुई। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला संपूर्ण क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के अंदर क्या क्या आएगा क्रय मूल्य मजदूरी प्लस दवाइयां तथा खादे। यहाँ पे देखोगे 20,500 क्रय मूल्य 9,700 मजदूरी और 5,600 दवाइयां तथा खादे सबका टोटल हो गया 35,800। ये 35,800 क्या हुआ क्रय मूल्य आ गया और विक्रय मूल्य दिया गया 28,640। अब यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि का फॉर्मूला लग जाएगा तो यहाँ पे हानि आ गई 7,160। तो अजय को x प्रतिशत की हानि हुई तो x बटे 100 बराबर हानि 7,160 बटे क्रय मूल्य 35,800। तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पे इस तरीके से हमारा उत्तर आ जाएगा तो अजय को कितना हानि हुआ 20%। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 34 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 34 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।